विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल है a माइनस बी इक्वल्स 26 गिवन है और सेकंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स 49322 गिवन है, दोनों गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है a और b का वैल्यू क्या होता है। और ध्यान रहे यहाँ पर a इज ग्रेटर देन जीरो और b इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों में ये भी जीरो से बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, ए माइनस बी दिया है। तो सबसे पहले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है वो देखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इक्वल्स ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब 49322 गिवन है, तो ये 49322 यहाँ पर ले लेंगे इक्वल्स ए माइनस बी गिवन है 26, ये 26 भी रख लो इनटू ये बाकी का जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ये एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर 26 से अगर डिवाइड किया, इसको भी 26 से किया, इसको भी 26 से किया, तो ये 26 ये 26 निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दिस इक्वल्स ये 49322 को 2 से अगर डिवाइड किया, तो 26 से, तो 26 मतलब 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 2 जर 2 4 जर और 2 6 जर 2 6 जर 2 1 जर यहाँ पर 13 आ जाते हैं, ठीक है। ये अगर ये दोनों का अगर डिवीजन किया एक में 24,661 डिवाइडेड बाई 13, अगर इसको डिवाइड किया 1897 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1897। तो हम क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज यूजुअल, तो इसको हम प्लस 2ab ऐड कर दो और वही 2ab माइनस बी कर दो इस इक्वेशंस को, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस 2ab है माइनस 2ab, तो ये तो सेम ही है। तो दिस इक्वल्स 81897 ए आज चल रहेगा, ठीक है। ये हम क्यों किया, तो हमें यहाँ पर ये चॉइस कर लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab एक साथ में लिख लो, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये साथ में हो गया। अभी रिमेनिंग रहा ए प्लस बी प्लस ये 2ab, दोनों रिमेनिंग रहा, दिस इक्वल्स 1897, ओके। लेकिन हमें यहाँ पर देखो ये जो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर इन दोनों ए प्लस बी इंटू 2a + b मीन्स 3a + b 3a × b प्लस ये 1ab प्लस 2ab मीन्स प्लस 3ab दिस इक्वल्स 1897, ठीक है। तो हमें पता है ए माइनस बी इज 26 है ना, तो ये 26 यहाँ पर पुट कर दो, यानी 26 होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 × a × b इज इक्वल्स टू 1897, ओके। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 676 प्लस 3 × a × b इज इक्वल्स टू 1897। तो हमें चाहिए एक अननोन ये भी है इधर, तो 3ab इज इक्वल्स टू 1897, ये 676 राइट साइड में लाओ तो 6 - 676 बनते हैं, तो 3 × a × b यहाँ पर बनेगा, 3 × a × b इज इक्वल्स 1897 में अगर 676 अगर माइनस किया 1221 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमें चाहिए, तो 3 से दोनों तरफ अगर डिवाइड किया तो ये 3 निकल जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 407, यस 407 यहाँ पर हमें मिला ए इंटू बी का वैल्यू 407। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे ताकि आगे ये काम पे आ जाएगा, ठीक है। अभी ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये बनते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी,
देखो यहाँ पर ए माइनस बी का वैल्यू हमें 26 मालूम है, ए बी का वैल्यू 407 मालूम है, तो हम आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ए माइनस बी मीन्स 26, ए 26 होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी मीन्स 407। तो 26 होल स्क्वायर बोले तो 676 बनते हैं। दिस इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से 407 को अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो 814 आ जाएगा। तो ये 814 इसके साथ प्लस कर दो 676 या यूजल प्लस 814 ये साइड मिलेगा, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों का अगर समेशन किया तो कितना बन रहे 1490। दिस इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें 1490। ये नोट डाउन कर लेंगे इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1490। ठीक है, तो अभी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मालूम पड़ा, तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का आराम से कर सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए अगर एक्सपेंड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू तो हमें मालूम है 1490 प्लस टू टाइम्स ए बी इज 407। तो दिस इक्वल्स 1490 प्लस 814। दिस इक्वल्स अगर 1490 प्लस 814 अगर दोनों अगर प्लस किया तो 2304 हो जाएगा, लेकिन ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना। तो हमें ए प्लस बी चाहिए, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पर भी अगर स्क्वायर रूट लिया तो क्या बनता है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 2304 का स्क्वायर रूट क्या होता है 48 बनता है। लेकिन यहाँ पर प्लस एक 48 माइनस एक 48 आ रहे, लेकिन हमें इसे खाली प्लस चाहिए, माइनस तो नहीं हो जाए, क्योंकि ए प्लस बी हमें ए इज़ ग्रेटर देन जीरो बी इज़ ग्रेटर देन जीरो है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव है ना वो निकाल देंगे। देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू ओनली 48, पॉजिटिव 48 ले लेंगे, क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन जीरो बी इज़ ग्रेटर देन जीरो रहने की वजह से हम नेगेटिव 48, और नेगेटिव 48 क्या होता है, ये ग्रेटर स्मॉलर देन जीरो है, नेगेटिव 48 स्मॉलर देन जीरो होता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव 48 कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो हम ओनली ए प्लस बी इक्वल्स पॉजिटिव 48 ही ले लेंगे। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल्स पॉजिटिव 48 ए हमें मिला। तो हमारे पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 48 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 26। तो ये दोनों कट हो गया, बी प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पर टू ये रहेगा, ये दोनों ऐड कर दो। तो दिस इक्वल्स यहाँ पर दोनों अगर प्लस किया तो अरे 1374 होते, तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर टू से अगर डिवाइड किया तो ए का वैल्यू क्या मिलता है, हमें मिलेगा 74 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 3 6 27 है, ए का वैल्यू हमें मिला 37। ठीक है, तब इस ए का वैल्यू हम ए माइनस बी इक्वल 26 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन ए प्लस बी से 48 में करो, ए माइनस बी से 26 में, दोनों सेम, तो हम ए माइनस बी में करेंगे, ए माइनस बी इज 26, ए इज 37 माइनस बी इक्वल्स 26। तो ए माइनस बी वो साइड में लो, प्लस 26 ये साइड, प्लस 26 ये साइड में लाए तो माइनस हो जाता है, तो 37 माइनस 26 इज इक्वल्स टू बी, तो कितना होता है 11 होता है, बी का वैल्यू हमें मिल रहा है, देयरफॉर बी इक्वल्स 11। तो हमें ए एंड बी का वैल्यू मिला,
ये इक्वल्स, यहां पर ए इक्वल्स 37 और बी इक्वल्स 11, ठीक है। तो ए इक्वल्स 37 और बी इक्वल्स 11, ये दोनों का वैल्यू ए एंड बी का सॉल्यूशन चेक। तो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया है, 49322। तो यहाँ पर ए का वैल्यू है 37 और बी इज 11 है, तो यहाँ पर 37 होल क्यूब माइनस 11 होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 49322 होता है या नहीं होता है। यहाँ पर हमें 37 का क्यूब चाहिए, यहाँ पर 11 का क्यूब चाहिए। 37 का क्यूब बनता है 50653 माइनस 11 का क्यूब बनता है 1331 इज क्वेश्चन मार्क 49322। यस, अगर 50653 में 1331 अगर माइनस किया तो रिमेनिंग रहा 49322 इज इक्वल्स टू 49322 यानी LHS इक्वल्स RHS। देयरफॉर जो हमारा आंसर है A इक्वल्स 37 और B इक्वल्स 11 दोनों वैलिड सॉल्यूशंस है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।